हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, गर्मी के इस मौसम में अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए और साथ ही साथ लू से बचाने के लिए मैं आपके साथ आम पन्ना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। मैं आपके साथ आम पन्ना बनाने की दो तरह की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि इसे स्टोर करके आप एक महीने तक कैसे यूज़ कर सकते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए कच्चे आम का यूज़ करना है, चाहे आप कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपके साथ आम पन्ना बनाने का पहला तरीका बताऊंगी। तो इसे हमें बॉयल करना है, तो एक कुकर में मैंने दोनों आम को रख लिया है और अब इसमें मैंने डाल लिया है एक ग्लास पानी। उसके बाद इसमें एक सीटी लगा करके इसे बॉयल कर लेना है। अब मैं आपको आम पन्ना बनाने का दूसरा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको आम को बॉयल करने की जगह पर इसे रोस्ट करना है। एक रोस्टिंग नेट लेनी है और गैस की फ्लेम लो करके इस पर आम को डाल लेना है और चारों तरफ से अच्छे से इसे सेक लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम लो करके चारों तरफ से मैंने आम को सेक लिया है, यानी भून लिया है। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से सेकने के बाद अच्छे से पक गया है। तो अब गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और इसे ठंडा कर लेना है। और इधर बॉयल करने के लिए जो आम रखा था, ये भी अच्छे से बॉयल हो गया है, तो इसे भी निकाल करके ठंडा कर लेना है। तो सबसे पहले हम बॉयल किए हुए आम का पन्ना बनाएंगे। तो ये देखिए, ये आम अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसके छिलके को हटा लेना है और इसमें जो पल्प है उसे भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। और ये देखिए, छिलके के पल्प को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें जो भी पल्प लगा था वो निकाल लिया है और छिलके को हटा लिया है। और इसके अंदर जो बीज है, यानी गुठली है, उसे भी हमें निकाल करके हटा देना है। इस पल्प में से आम की गुठली निकाल ली है मैंने और अब इस पल्प को ट्रांसफ़र कर लेना है एक मिक्सर जार में। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालना है, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीने के पत्ते को डाल करके इसे अच्छे से चला लेना है। और ये देखिए, आम का ये पल्प तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आम पन्ना बनाने के लिए हमारा पल्प रेडी है। तो अब इसे हमें स्टोर कैसे करना है, तो इसे स्टोर करने के लिए इस तरह से आइस ट्रे लेनी है और इसके अंदर हमें पोर कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आइस ट्रे में इसका आइस क्यूब बना करके आप इसे एक महीने तक फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। और अब मैं आपको इस पल्प से कैसे आम पन्ना बनाना है वो बताऊंगी। तो एक ग्लास में डाल लेना है पिसी हुई चीनी और उसमें डाल लेना है ठंडा पानी। पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए और फिर इसमें हमें ये पल्प डाल लेना है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पल्प डाला है, बाकी इसमें अब कुछ नहीं डालना है, बस इसे मिक्स कर लेना है। और फिर इसमें आप डालिए आइस क्यूब और इसे ठंडा ठंडा सर्व कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही सेकंड में ये आम पन्ना बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आइस ट्रे में मैंने जो ये आम का पल्प रखा था, तो ये पन्ने का आइस क्यूब बनकर रेडी हो गया है। इसे एक बॉक्स में रख लेना है और फ्रीज़र में स्टोर करके एक महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे बनाना कैसे है, तो एक ग्लास में हमें लेना है पिसी हुई चीनी, या आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल लेना है पानी बिल्कुल ठंडा और फिर इसमें से 2 क्यूब डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आम पन्ना बनकर रेडी हो जाएगा। है ना फ्रेंड्स, ये आम पन्ना बनाना कितना आसान। बस इसे बनाइए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आम को भून करके रखा था, अब मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अब करना ये है कि भुने हुए आम के छिलके को अच्छे से निकाल लेना है। बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा और जब ये छिलका निकल जाएगा तो इसका जो पल्प है उसका हमें यूज़ करना है। आम के छिलके को हटा लिया है मैंने, अब क्या करना है, एक मिक्सर जार में इसके पल्प को इस तरह से निकाल के रखना है और बीज को हटा लेना है। इसमें डाल लेना है फ्रेश पुदीने के पत्ते, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, काला नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पल्प तैयार कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये पल्प रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना पतला ये पेस्ट बन गया है। तो इसे हमें स्टोर करना है, तो आप किसी भी शीशे के जार में इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं एक महीने तक फ्रिज में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है। अगेन ग्लास में डाल लेना है पिसी हुई चीनी, या आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें डाल लेना है ठंडा पानी और फिर ये भुने हुए आम का पल्प और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, हमारा आम पन्ना रेडी हो गया है। तो इसमें डाल लेना है कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते, आइस क्यूब और ये ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाकर आप सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप आम पन्ने का पल्प बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आप जब चाहें तो इसका आम पन्ना बना करके ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।